આપણું પરમ સૌભાગ્ય કે આજે આપણું માર્ગદર્શન કરવા પધાર્યા છે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકરજી અને ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યતકીન છે જગત્યામ જગત ત્યક્તેન તેકતેન માં માૃધા કશ્યસ્વી ધનમ ઈશાવાસ્યોપનિષદનો આ શ્લોક એવું કહે છે કે આખી પૃથ્વીનો જો પ્રલય થઈ જાય પણ આ શ્લોક જો આપણે આપણા હૃદયમાં ઉતારીએ તો પુનઃ આપણે નિર્માણ કરી શકીશું કેમ કે આ પૃથ્વી પર જે કાંઈ પણ છે હવા પાણી જમીન એ બધું જ આપણને વારસામાં મળેલું છે અને આપણે વાપરીને એનો સમુચિત ઉપયોગ કરીને આપણી આવનારી પેઢીને વારસામાં આપી જવાનું છે એના પર આપણો હક નથી આપણે એનું જતન સંવર્ધન કરીને આપણી આવનારી પેઢી માટે એનો સમુચિત ઉપયોગ કરવાનો છે અને કૃષિ પણ એ જ દિશામાં આગળ વધી રહી છે જમીનનું સત્વ અને તત્વ જળવાય અને પ્રાકૃતિક કૃષિ થકી આપણી આવનારી પેઢી સમૃદ્ધ બને સ્વસ્થ સ્વચ્છ અને નિરોગી બને એ આપણું ધ્યેય છે मेरे किसान के लिए मेरे देशवासियों के लिए यह धरती हमारी मां है भारत माता की जय बोलते ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है वंदे मातरम बोलते ही इस धरती मां के लिए खप जाने की प्रेरणा मिलती है एक दीर्घकालीन इतिहास हमारे सामने आता है लेकिन क्या कभी हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है

રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓનો ખર્ચ શૂન્ય ખૂબ ઓછા પાણીની જરૂરિયાત ખેડૂતોને કોઈ વસ્તુ બહારથી લેવાની જરૂર નહીં ખેતી ખર્ચ નહીવત પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જમીનમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં અળસિયા આવે છે તે જમીનને છિદ્રાળુ કરે છે પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશ રાસાયણિક અવશેષો મુક્ત હોવાથી બજારમાં સારા ભાવો મળી રહે પર્યાવરણની જાળવણી અને સંવર્ધન થાય ઓજો ખર્ચ વધુ ઉત્પાદન યોગ્ય કિંમત મળતા ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થાય ખેડૂતો ગાય પાળતા થશે જેથી ગાયનું પાલન પોષણ થશે લોકોના આરોગ્યમાં સુધારો થશે ખેડૂતોને કોઈ વસ્તુ બહારથી લેવી ના પડે આમ ખર્ચ વગરની ખેતી થઈ શકે પ્રાકૃતિક ખેતીના મુખ્ય ચાર સિદ્ધાંતો બીજઅમૃત બીજ સંસ્કાર દ્વારા બીજનું સુરક્ષા કવચ આછાદન

हम हमारी धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। इस माँ के संतान के रूप में एक किसान के रूप में मुझे मेरी धरती माँ को तबाह करने का हक नहीं है खेड न आगने एक देशी गाय राखी गौमूत्र साथे शेठे पारे थी वनस्पति ने उपयोग खेती माँ करिए चालो आपने सब प्राकृतिक खेती करिए ग्राम उत्थान थकी राष्ट्र नु निर्माण करिए एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था घी दूध की नदियां बहती थी ऐसा भी हमने पुरखों से सुना है पर समय के चलते विपुल कृषि उत्पादन लेने के हमारे मनोरथ में और उसकी दौड़ में हम प्राकृतिक कृषि से विमुख होते चले और अब फिर समय आ गया है बैक टू नेचर प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने का हमारा सद्भाग्य है कि आज प्राकृतिक कृषि में जिनका मनोरथ और जिनका सामर्थ्य हासिल प्राप्त है वह श्री पद्मश्री सुभाष पालेकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं अनुरोध करते हैं पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से कि आप प्राकृतिक कृषि की समझ व जरूरियात के बारे में हमें दो शब्द कहें मान्य श्री सुभाष पालेकर जी माननीय राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री रूपानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया ये पहला अवसर है भारत के इतिहास में कि व्यवस्था परिवर्तन का कार्यक्रम हाथ में लेकर एक राज्य खुद को बदलने की कोशिश करने के लिए आज सारे मंत्रीगण सभी मंत्रालयों के सभी उच्चतम अधिकारी और हर जिले से चयनित किसान लेकर हम बैठे हैं ये पहला अवसर है क्या मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में कि मराठी में बोलूँ नहीं ना मैं गुजराती बोल सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी बात अलग है साथियों विचारधारा अगर सत्य और अहिंसा पर खड़ी है वो शाश्वत होती है बदलती नहीं समय के अनुसार बदलती नहीं लेकिन तकनीक काल सापेक्ष होता है परंपराएं काल सापेक्ष होती है बदलती रहती है समय के अनुसार खुद को डालती है जैसे सती प्रथा दी पति के निधन के उपरांत पत्नी चिता में अग्नि प्रवेश करके खुद को बलिदान देती थी उनके मंदिर बनाए जाते थे सती मंदिर उस समय की परंपरा थी आज अगर कोई पत्नी सती जाने के लिए तैयार होगी तो उसको पागल कहा जाएगा परंपराएं बदलती रहती है समय के अनुसार उसी तरह जब तत्कालीन भारत सरकार ने हरित क्रांति को स्वीकार किया तब वो ठीक निर्णय था क्योंकि हरित क्रांति समय की मांग थी ग्रीन रोशन वॉज ए डिमांड ऑफ द टाइम एट द टाइम लेकिन आज क्या हरित क्रांति को आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर दुनिया में चर्चा हो रही है केवल हिंदुस्तान में नहीं साठ साल हुए हरित क्रांति को अमल लाने के बाद हमारे भूखे पेट भरने के लिए हमने हरित क्रांति को स्वीकार किया तब तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू जी ने संसद में कहा था कि हरित क्रांति को हम इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि जनता के पेट को दो समय की रोटी मिले हमारे पास पर्याप्त तो अनाज नहीं है खाद्यान्न में हम स्वावलंबी बनना चाहते बिल्कुल सही निर्णय था सही निर्णय था लेकिन जो संसद को आश्वासन दिया गया था कि हरित क्रांति के माध्यम से हमारा देश खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी बनेगा आश्वासन पूरा हुआ है समीक्षा की आवश्यकता है जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है क्या उस रफ्तार से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है अगर दावा किया जा रहा है कि हरित क्रांति के माध्यम से हमारा देश स्वावलंबी बन गया है खाद्यान्न के उत्पादन में तो कुछ सवाल है जिस पर चर्चा होने आवश्यक है पूरे हिंदुस्तान में मरे बचपन से मैं देख रहा हूं राशन की दुकान में पाम ऑयल वितरित किया जाता है खाने का तेल हिंदुस्तान में निर्माण नहीं होता दक्षिण पूर्व एशिया में ये निर्माण होता है चाहे इंडोनेशिया लाहौल फिलीपींस और मलेशिया लाखों टन खाने का तेल हर साल हम आयात कर रहे हैं लाखों टन सोयाबीन का तेल हम आयात कर रहे हैं विदेशों से चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो या ब्राजील चाइना लाखों टन सूरजमुखी का तेल हम सोएत रूस और इजग के देशों से आयात कर रहे हैं लाखों टन दालें हम आयात कर रहे हैं हर साल लाखों टन फल आयत कर रहे हैं आप किसी फल के दुकान में जाइए वहां सेब रखे हैं एप्पल स्टिकर लगे हैं चाइना से आयात हुआ न्यूजीलैंड से आयात हुआ तो स्वालंबन का अर्थ क्या है मैं जानना चाहता हूं सौ प्रतिशत पोटेश फर्टिलाइजर आयत किए जाते हैं सौ प्रतिशत हिंदुस्तान में बाहर से लाया जाते हैं चौदह सेवेंटी फोर परसेंट फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर आयात किए जाते हैं लगभग सेवेंटी परसेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आयात कर जाते हैं टेक्नोलॉजी भी की जाती है जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है बीटी कॉटन है मॉडिफाइड सीड है तो किस मुंह से हम दावा कर सकते हैं कि हम खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी बन गए अंतर्मुख होकर चिंतन की आवश्यकता है अंतर्मुख होकर वो बेला अभी आ गई है हमारे देश की जनसंख्या आज 130 करोड़ है चाइना हमारे से आगे है जनसंख्या में लेकिन माल्थस के सिद्धांत के अनुसार 2030 में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगी चीन की चाइना की जनसंख्या एक हो जाएगी यानी पीछे आएगा चाइना जब भारत की जनसंख्या 2030 में 150 करोड़ हो जाएगी इसका मतलब है आज हम 26 करोड़ मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं उस समय हमें 40 करोड़ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिए डेढ़ गुना भूमि को तो कारखाने में पैदा नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुई जंगल काट कर आप जोताई में जमीन नहीं ला सकते क्योंकि 33 प्रतिशत जंगल आवश्यक है अभी हमारे पास केवल 21 प्रतिशत है उसमें भी है। हमारे देश के पास सीमित 35 करोड़ एकड़ भूमि बची है जोताई के लिए 35 फाइव करोड़ एकड़ लैंड वही हाव फॉर कल्टिवेशन परपज उसी 35 करोड़ एकड़ में हमें दोगुना उत्पादन लेना है और मेरे पास आंकड़े हैं कि रासायनिक कृषि से उत्पादन घट रहा है बढ़ नहीं रहा है क्या सही है गलत है किसान भाइयों, सही है सर्टिफिकेट है आगे अगर रासायनिक कृषि से उत्पादन घट रहा है प्रति एकड़ हमें दुगुना उत्पादन चाहिए इसका मतलब है दुगुना उत्पादन लेने के लिए रासायनिक कृषि अभी संभव नहीं है ये सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा चाहे कोई भी हो सरकार हो किसान हो कृषि वैज्ञानिक हो या हमारे देश के चिंतक इस सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा दूसरी ओर माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने पांच साल पहले चुनावी सभाओं में आश्वासन दिया था कि हगा अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे ये उद्देश्य है दुगुनी आय और लागत के मूल्य घटाकर डेढ़ गुना उनको दाम देंगे पांच साल में उनको लगा कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सामने आएगी आई के माध्यम से जिससे हम दुगुनी उपज ले सकेंगे दुगुनी उनको आय दे सकेंगे लेकिन अभी तक कोई टेक्नोलॉजी सामने नहीं आई क्या करेगी सरकार किसानों को आश्वासन दिया गया है पूरा करना ही है अगर दुनी दुगुनी आय करने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो कैसी आश्वासन पूर्ति होगी वचन पूर्ति होगी गंभीरता से सोचने की बात है अंतर्मुख होकर सोचने की बात है बड़े बड़े आह्वान हमारे सामने खड़े हैं। ये आह्वान मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले घातक बदलाव जलवायु परिवर्तन ये मानव निर्मित आपत्ति है ईश्वर निर्मित नहीं है क्या है इसका समाधान है किसी के पास समाधान ढूंढ रही है कहीं भी समाधान नहीं दिख रहा है जिस गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है सारी भूमि बर्बाद होगी सारी फसलें बर्बाद होगी मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा रोकना ही पड़ेगा जलवायु परिवर्तन को रोकना ही पड़ेगा एक दिन में अठारह इंच बारिश कभी नहीं देखा था कभी नहीं देखा हिमाचल में नवंबर से हिमपात होता था गए साल पालमपुर यूनिवर्सिटी में मेरा छह दिन के वर्कशॉप थी मेरा कार्यशाला थी वाइस चांसलर सामने बैठे थे देखा था 29 सितंबर को बस से पूरा पहाड़ खिरा हुआ था रात भर हिमपात हुआ 29 सितंबर को कभी नहीं हुआ कभी नहीं हुआ अभी महाराष्ट्र के तीन जिलों में कोल्हापुर सांगली और सातारा और उत्तरी कर्नाटक के नौ जिलों में भयावी भयावह लगभग आठ लाख एकड़ गन्ने डूब गए हजारों गांव बर्बाद हुए ढह गए पानी से भरते सोलह सोलह दिन तक लाखों मवेशी मर गए हजारों जाने गई इतनी भयाव बाढ़ विज्ञान कुछ नहीं कर पाया विज्ञान कुछ नहीं कर पाया सीमा है विज्ञान की सीमा को समझो सीमा को समझो लेकिन मित्रों वो सब गन्ने का बेल्ट है सैकड़ों चिड़ी मिले हैं वहां लाखों कामगार उसमें रोजगार ले रहे हैं और जब सारी गन्ने की खेती बर्बाद हो गई एक साल चीनी मिल नहीं चलेगी जो चीनी मिलों में लाखों कामगार काम करे बेरोजगार हो गए गन्ना काटने के लिए महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से जो लोग आते थे वो भी बर्बाद हो गए उनके रोजी रोटी चिन प्राकृतिक आपदा नहीं है मानवीय आपदा है सौ प्रतिशत मानवीय आपदा है लेकिन चमत्कार देखा चमत्कार देखा जब आप सोच भी नहीं सकते बारह फीट ऊंचा गन्ना दस महीने का वो बारह फीट के ऊपर दस फीट पानी था बीस फीट पानी का स्तर सोलह दिन तक जब पानी निकल गया चमत्कार देखा लोगों ने सुभाष पाले कर प्राकृतिक कुछ का गन्ना खड़ा था हरा भरा था बाकी सब सूख गए थे बाकी सब सूख गए सोशल मीडिया पर मैंने उनके एड्रेस फोन नंबर दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये जयद्रथ ये सूरज आप देख सकते रासायनिक कुछ का गन्ना सूख गया बर्बाद हुआ हमारा क्यों खड़ा है क्यों खड़ा है गंभीरता से सोचने की बात है गंभीरता से सोचने की बात है। हमारे अनार पर बैक्टीरियल डाइट नहीं दिखाई देगा चैलेंज है, रासायनिक के अनार बैक्टीरियल डाइट तेले से बर्बाद हुए हैं हमारे गन्ने पर अपने अनार पर मिली बग नहीं दिखाई देगा आपको डाउनी बिल्टू नहीं दिखाई देगा पाउडर मिल्टू नहीं दिखाएगा वहां बर्बाद हो रहे हैं। हमने विकल्प दिया है हमने विकल्प दिया कपास की खेती हमारी उपज बहुत बढ़ गई बीटी कॉटन से लेकिन आज आज वही बीटी कॉटन बर्बाद हो रहा है अमेरिकन बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाला ये कॉटन आज अमेरिकन बॉलवर्म उस पर भी आ रहा है क्यों आ रहा है जीएमसीड है मॉडिफाइड ओ रेजिस्टेंट है दावा किया जा रहा है अमेरिकन बॉलवर्म क्यों आ रहा है अभी पिंक बोलबर उसे समय हमारे कपास देखिए देशी आप गुजरात में महाराष्ट्र में कर्नाटका में जहां भी जाइए पंजाब में राजस्थान में जहां भी जाइए आप चमत्कार देखोगे सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में जो कपास लिया गया है देशी बीजों का उत्पादन बिट्टी रासायनिक से भी ज्यादा मिल रहा है बोलबर्म का अटैक नहीं है बोलबम का अटैक नहीं संतरा मौसम भी ये गमोसिस फैटोप थोड़ा बर्बाद हो रहे हमारे मौसम भी संतरे पर गमोशीस नहीं है साइटसिला नहीं है क्यों नहीं है मेज मक्का वो इली है कैटरपिलर खत्म किए जा रहे हमारे पर कैटरपिलर नहीं है क्यों नहीं है इसका मतलब है हमने एक सक्षम विकल्प दिया है आज हमारा किसान चौराहे पर खड़ा है वो रासायनिक कृषि करते करते ये चौराहे पर आ गया और छह दिशाओं में छह वहां बोर्ड लगे हैं छह रास्ते निकल रहे हैं वहां से चौराहे से पहले रास्ते पर लिखा गया है परंपरागत कृषि गोबर के खाद पर आधारित ट्रेडिशनल इंडियन मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर विच इज बेस्ट ऑन काउडंग मैन्य दूसरा रास्ता बोर्ड लगा है रासायनिक कृषि तीसरा रास्ते पर बोर्ड लगा है सजू खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती चौथे पर बोर्ड लगा है चौथा रास्ता है निकल रहा है उस पर बोर्ड लगा है वैदिक कृषि पंचगव्य दश दशगव्य अग्नि होता एक पांचवा बोर्ड है पांचवा रास्ता है निकल रहा है उस पर बोर्ड लगा है योगिक खेती मंत्र पठना योग साधना एक छठा बोर्ड लगा है छठा रास्ता है वहां लिखा है प्राकृतिक कृषि और सातवा बोर्ड लगा है सुभाष पालेकर कृषि किसान संभ्रमित है किस हो जाए किस हो जाए कौन सी विधि मुझे आत्महत्या से रोकेगी कौन सी विधि मेरे बच्चों को स्थलांतर करने से रोकेगी कौन सी विधि मेरे मुझे रात को बिना चिंता नींद देगी कौन सी विधि मुझे दाम देगी कौन सी विधि मुझे सम्मान देगी जीने की राह बताएगी संभ्रमित है किसान संभ्रमित है भारत का साढ़े दस हजार साल का इतिहास है खेती का कृषि का अगर हम प्रागत्यासिक कुछ ब्यौरा लेते हैं तो साढ़े दस हजार साल से केवल भारत में नहीं दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये खेती हो रही है पारंपरिक परंपरागत कृषि जो गोबर के खाद पर आधारित है हम भी वही कृषि कर रहे थे मेरे पिताजी और विपुल संपदा थी धन गोधन विपुल था अब मामा के पास डेढ़ सौ एकड़ भूमि थी दो सौ गाय थी देश लेकिन गोबर के खाद पर जो परंपरा कृषि थी उत्पादन नहीं मिलता था कपास एक डेढ़ क्विंटल एक एकड़ में दो क्विंटल हर किसान साहुकार से कर्ज लेता ही था कीट आती ही थी बीमारी आती ही थी रासायनिक कृषि नहीं थी कुछ थी गोबर के खाद पर आधारित थी तो भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा था कर्जे में डूबा था आर्य चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे उसमें लिखा है कब लिखा है कब लिखा है ढाई हजार साल पहले किसान अगर साहूकार का कर्ज नहीं चुकाएगा तो उसको क्या क्या दंड दिया जाएगा उसमें लिखा है ढाई हजार साल पहले भी किसान कर्जे में डूबा था अगर दो बार गोबर के खाद पर आधारित परंपरागत कृषि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो उसमें मैंने अनुसंधान किया उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि अगर परंपरागत कृषि में जो को वो गोबर के खाद पर आधारित है आप रासायनिक कृषि के समकक्ष कक्ष उत्पादन लेना चाहते हैं अगर रासायनिक कृषि में आपको एक एकड़ में बीस क्विंटल गेहूं की उपज मिलते अगर बीस क्विंटल आप परंपरा कृषि में लेना चाहते हैं तो एक एकड़ में अठारह अच्छा से लेकर बीस बैलगाड़ी गोबर का खाद हर साल डालना पड़ेगा नौ से दस टन में टिक टन काउडंग मैन्युअल शुड बी अप्लाइड यह एक एकड़ में अठारह अच्छा से बीस बैलगाड़ी गोबर का खाद हर साल डालना क्या संभव है साथियों संभव है गौशालाओं को संभव है गौशालाओं को संभव है किसान को संभव नहीं इसका मतलब है परंपरागत कृषि को आगे बढ़ाना असंभव है असंभव अगर आपको अठारह बीस बैलगाड़ी के ऊपर खाद चाहिए तो दस देशी गाय पालना पड़ेगा एक एकड़ के लिए पांच एकड़ है तो पचास देशी गाय अगर पूरे देश में परंपर कृषि हम लागू करना चाहते हैं तो 35 करोड़ एकड़ कर भूमि है गुनिला 10 350 करोड़ देशी गाय चाहिए हमारे पास केवल 8 करोड़ देशी गाय बची है सपने भी संभव नहीं परम्पर कृषि को आगे बढ़ाया तो क्या विकल्प है क्या विकल्प है लाल किले के प्राचीर से पंद्रह अगस्त को जब देश के पंतप्रधान जाहिर तौर पर आह्वान करते हैं कि जिस भूमाता को माता कहते उसको बर्बाद करके रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं को का नाश करके बलात्कार करके मां के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं गुरुरा शक्ति खत्म करने वाले रासायनिक खाद कीटनाशक दवाएं इसको कम करना पड़ेगा या उनको बंद करना पड़ेगा राष्ट्र के पंतप्रधान देश को आह्वान कर रहे हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि देश के पंतप्रधान को हमने साथ देना चाहिए विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि देश की मांग है आज की मांग है समय की मांग है मैं ये नहीं कहूंगा कि रासायनिक कृषि बंद करे चलने दे हमारा कोई लेना नहीं क्योंकि वो कोई गलत लोग नहीं है अच्छे लोग है सज्जन लोग है सवाल ये नहीं कि रासायनिक कृषि बंद किया जाए सवाल ये नहीं कि कृषि बंद किया जाए सवाल यह है कि समस्याओं का समाधान कौन सी कृषि दे रही है उसको ढूंढा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जिन हरित ग्रह वायुओं का अंतर्भाव है ग्रीन हाउस गैसेस उनमें चार महत्वपूर्ण तो है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन और क्लोरोफ्रोकार्बन जो तीन पहले है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ाते हैं इनका उत्सर्जन करने वाले दो क्षेत्र है एक है उद्योग क्षेत्र जो धुआं छोड़ रहा है और दूसरा है कृषि क्षेत्र रासायनिक कृषि और सजू खेती सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रही जब आप यूरिया डालते हो यूरिया भूमि में जाने के बाद जब यूरिया का संबंध पानी से आता है नमी से आता है तो यूरिएज नाम के मध्यस्थ विकर यूरिया के मॉलिक्यूल को विभाजित करते हैं और यूरिया का रूपांतरण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जहरीले वायु है जब भूमि में घूमते जुवाणु का नाश करते किसी भी पौधे की जड़ नाइट्रोजन नायु अमोनिया के रूप में लेती नाइट्रेड के रूप में लेती कुछ उपयुक्त जीवाणु जैसे नाटो सोमनाथ है, एमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करते अब नाइट्रेट निर्माण हो गया ये जो शंकर बीज है और जन्नुक रोपित बीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जीएम बीटी कॉटन इनके जड़ों को बुरी आदत है आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन लेना अगर 10 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो ये 20 ग्राम नाइट्रेट उठाते 20 ग्राम गया 10 ग्राम का उपयोग गया 10 ग्राम बचा हुआ ये बचा हुआ 10 ग्राम कोशिकाओं के अंदर संग्रहित हो जाता है ये बाहर की वस्तु है शरीर स्वीकार नहीं करता शरीर बाह्य वस्तु है स्वीकार नहीं करता नन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द इंट्रेस ऑफ द एस्टर बॉडी बॉडी टॉक्सिन बन जाता है टॉक्सिन जहर बन जाता है ख्याल में। जब यह नाइटेड भूमि में होता है आवश्यकता नहीं है तुरंत नाइटेड का रूपांतर नाइट्रोजन में होता है डी नाइट्रिफिकेशन और यह नाइट्रोजन हवा में उत्सर्जित हो गया उसके साथ प्राणवायु की संयुक्त रासायनिक बंधन होता है गठबंधन होता है और नाइट्रक्स ऑक्साइड निर्माण होता है ये ग्रीन हाउस गैस है उससे जुड़ता है बड़े विशाल मात्रा में उससे जुड़ता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला ये रासायनिक खाद काम कर रहा है ख्याल मेरे जब आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ चारा फॉडर हमारे पालतू जानवरों को खिलाते हो तो उसके विस्तार गोबर गोमूत्र के विघटन से विशाल मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड उससे होता है साथ में मिथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है रासायनिक के फसल जब विघटित होने लगते हैं विशाल मात्रा में हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है रासायनिक कृषि से पैदा हुआ रासायनिक खाद्य जब मानव खाता है तो मानव के और गुमूत्रा के विघटन से भी विशाल मात्रा में गिन्ना सूचित विशेष रूप में ये नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में जो केमिकल इनपुट इंडस्ट्री है बीज के कारखाने शंकर बीज के रासायनिक खादों के कारखाने कीटनाशक दवाओं के कारखाने औजारों के कारखाने विशाल मात्रा में धुआं छोड़ रहे गिननाश गैसे छोड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं समय की मांग थी तब ग्लोबल वार्मिंग एजेंडा पर नहीं था समस्या नहीं थी आज प्रमुख समस्या बन गई है हमें अंतर्मुख हुआ सोचना ही पड़ेगा कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटाना या बढ़ाना है सोचना ही पड़ेगा इतना ही नहीं इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। किसानों की आत्महत्या क्यों हो गई क्योंकि खरीदना ही पड़ता है द फार्मर्स आर डेफिनेटली कमिटेड टू एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट किसान जब बीज खरीदता है खाद खरीदता है दवा खरीदता है ट्रैक्टर खरीदता है उसके पास कोई नोटा छापने की मशीन नहीं है पैसा देना पड़ेगा भुगतान करना पड़ेगा तो सावका से कर लेना पड़ेगा बैंक से लून लेना पड़ेगा और बैंक से कर लिया सावका से कर लिया फसल खड़ी हुई प्राकृतिक आपदा आई फसल चौपट भुगतान नहीं कर पाता भुगतान नहीं कर पाता दूसरे साल वही तरीका पुनर्वसन कर का। फिर बैंक की वो जब्ती की गांव में बड़े सम्मान के साथ रहने वाला किसान जब घर में आकर ये अधिकारी बैंक के कुर्की लगाते हैं खत्म हो जाता है नैतिक स्तर पर आंखों में आंखों दिखाने की हिम्मत नहीं होती और इस मोड़ में जाता है भावनिक मोड़ में आत्महत्या करना ही पड़ता है किसान ही है क्या सामने क्या किसान को आप ऋण मुक्ति नहीं देंगे अगर ऋण मुक्ति चाहते हैं तो रासायनिक कृषि ऋण मुक्ति कैसे देंगे आप एक साल ऋण मुक्ति दे सकते हैं ऋण माफी कर्ज माफी कोई भी सरकार हर साल कर्ज माफी नहीं दे सकती यह असंभव है अर्थ शासन बढ़ जाएगा बजट खत्म हो जाएगा सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में आपको कर्जा निकालना ही नहीं है क्योंकि लागत का मूल्य शून्य है कुछ खरीदना ही नहीं है ना बीज खरीदना है ना खाद खरीदना है ना दवा खरीदना है ना कुछ भी नहीं खरीदना है कर्जा लेना ही नहीं है तो कर्ज माफी की सवाल ही नहीं है और रूपाणी साहब आपका दिमाग शांति से बैठेगा अरुण माफी नहीं मांगेगा किसान डोंट वॉन्ट लिव एवर वी वांट सस्टेनेबल लोन रिबरेशन हमें रून मुक्ति चाहिए हमें रून माफी नहीं चाहिए यही तरीका हो सकता है यही तरीका हो सकता है अगर है तो बताओ मुझे बताओ हम स्वीकार करने के लिए तैयार है यही तरीका हो सकता है आत्मत्याग जब भी मैं दुनिया में जाता हूं एक ही सवाल पूछा जाता है यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया विच इज फेमस फॉर सुसाइड ऑफ द फार्मर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता किसान आत्महत्या कर रहा है मीडिया में लिखा जा रहा है संगुष्टिया हो रही है आत्महत्या क्यों नहीं कर रही क्यों दिन-दिन बढ़ रही है अरे वो लोग आत्महत्या के पीछे कारण बता रहे हैं जो खेती कभी की नहीं बाप जलम में खेती मालूम नहीं बताते हैं सिंचाई की व्यवस्था नहीं इसलिए आत्महत्या हो रही है अच्छा पंजाब में 99% नाइन परसेंट सिंचाई आत्महत्या सबसे ज्यादा है क्यों है सवाल का जवाब दीजिए मुझे जड़ों तक कोई पहुंचने का काम नहीं कर रहा है ऊपर के ऊपर लीपापोती हो रही है सात लाख किसानों ने आत्महत्या की है सरकारी आंकड़ों पर मुझे भरोसा नहीं है चैलेंज है एक किसान दिखाइए जो पाले कर करता हो आत्महत्या की हो एक किसान दिखाइए चैलेंज आत्महत्या का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो ऋण लेता ही नहीं है तो ऋण देने का सवाल ही नहीं है और वो की आने का भी संभव नहीं है तो आत्महत्या का सवाल ही नहीं है वॉट आर द रूट कॉजेज ऑफ वी हर टोटली न्यूट्रलाइज टोटली न्यूट्राइज हमने जो जड़ है उसको काटकर फेंक दिया है आत्महत्या रोकना है यही तरीका है यही तरीका है दूसरा दूसरा दिखाओ हमें हम स्वीकार करते हैं दिखाओ दिखाओ साथियों हमारा किसान के युवा लड़के भाग रहे हैं गांव छोड़कर मुझे मालूम नहीं आपके गुजरात में क्या हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान में भाग रहे हैं गुजरात में क्या हो रहा है? है भाग रहे हैं भाग रहे हाँ क्यों नहीं भागेंगे क्यों नहीं भागेंगे मुझे बताइए उसको मालूम है अगर मैं खेती करता हूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा कर्जे के पहाड़ के नीचे दब जाऊंगा आत्महत्या करना ही पड़ेगा यहां रहना ठीक नहीं भागना ही ठीक है और दूसरी बात है सामाजिक समस्या पड़ी है कोई भी किसान अपनी लड़की को किसान के बेटे को ब्याह करने देना चाहता सही बात है गलत है चालीस 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 साल के लड़के बेवा खड़े हैं बिना लड़की कोई नहीं दे, दे रहा है ईश्वर मुझे मालूम नहीं मंच पर क्या हो रहा है लेकिन ईश्वर तो हो रहा है और मुझे बताइए क्यों देगा लड़की का बाप अपनी लड़की किसान को बेटे को क्यों देगा मालूम है अगर मैं लड़की देता हूं इसको शादी करे ये आत्महत्या करेगा मेरी लड़की बेवा हो जाएगी कौन बाप चाहता है मेरी लड़की बेवा हो जाए इस पर चर्चा नहीं है मीडिया में चर्चा नहीं है सोशल मीडिया में भी, भी चर्चा नहीं है चर्चा कोई और बातों पर हो रही है और बातों पर हो रही है भागना ही पड़ेगा किसान का लड़का भागना अगर सारे किसान के लड़के भागेंगे खेती कौन करेगा हमें दुगुना उत्पादन चाहिए अगर खेती करने वाला कोई नहीं बचेगा गांव में गांव उजाड़ बन जाएंगे और होने वाला है निश्चित होने वाला है क्या खाओगे पत्थर खाओगे कोई टेक्निक विकसित किया है पत्थर खाकर जीने का स्थलांतरण रोकना ही पड़ेगा स्थलांतर रोकना ही पड़ेगा कब आएंगे बच्चे वापिस जब उनको मालूम पड़ेगा खेती भी मेरा भविष्य है रासायनिक खेती में नहीं बर्बाद हो।, तो हो रहा है वो जैविक खेती में तो और बर्बाद हो रहा है क्यों उत्पादन मिलता ही नहीं हम ऐसे मॉडल खड़े कर रहे हैं हो गया शुरुआत हो गई है आइए देखने के लिए आइए देखने के लिए अगर आपके पास एक एकड़ भूमि है और दस प्रतिशत पानी है क्योंकि मेरे विद्य में नब्बे प्रतिशत पानी की बचत है तो आप एक साल में कम से कम उस मॉडल से तीन लाख से लेकर छह लाख रुपए कमा सकते हैं घर बैठे पच्चीस हजार से लेकर पचास हजार रुपये आपको तनख्वाह मिलेगा घर बैठे काम नहीं करना पड़ेगा ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा घर बैठे मिलेगा खेती पर मिलेगा जब लड़की वालों को मालूम पड़ेगा कि पचास हजार रुपये तनख्वाह मिल रहा है घर बैठे तो कतार लगेगी लड़की वालों की कतार लगेगी तो हम लड़की के बाप का इंटरव्यू लेंगे वो समय आने वाला है बच्चों को वापिस लौटाना ही पड़ेगा लौटाना ही पड़ेगा इसका एक और कारण है इसका एक और कारण महामंदी रिसेशन इज इंटेंसिफाइंग अगेन अगेन इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज नॉट इंडियन प्रॉब्लम ओनली जो महामंदी वैश्विक समस्या है और गहरी होती जा रही है, हर साल गहरी होती जा रही है क्यों अभी हम मीडिया में पढ़ रहे हैं कि ये जो कार्य है कार्य फोर व्हीलर उसकी बिक्री अठारह प्रतिशत घट गई है चौबीस प्रतिशत घट गई है और घटेगी और घटेगी कारखाने बंद हो गए कारखाने नौकरियां नहीं देंगे जो नौकरी आए वो भी चली जाएगी साढ़े तीन लाख नौकरी को निकाल दिया गया है कार उद्योगों में से अभी तक क्यों इसका कारण है इसका कारण है इसका कारण भोगवाद की भी सीमा होती है उस सीमा के ऊपर भोगवाद नहीं जा सकता आपको अगर लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं तो एक खाओगे दो खाओगे ससुराल जाओगे तो दस खाओगे क्योंकि साली भी कहेगी दो और खाओ मना नहीं कर सकते हिम्मत नहीं मना करने की लेकिन वाले लड्डू नहीं खाओगे क्योंकि क्या हो गया है पेट भर गया है बोलेगे नहीं अब नहीं चाहिए अब नहीं भाग जाओगे लेकिन नहीं खाओगे दैट इज दैचुरेशन ये संपुक्त अवस्था है भोगवाद की वो हो गई है अब अब हो गई है अब हो गई है इसके बाद कोई कार नहीं खरीदेगा, कोई मकान नहीं बनाएगा साढ़े तीन लाख मकान मुंबई में खड़े है कोई लेने वाला नहीं है वस्तु का भोग घटा जाएगा आगे घटा जाएगा कारखाने बंद हो जाएंगे मां मंदी और आगे बढ़ेगी सारे उद्योग संकट में है सारे उद्योग संकट में है और इसका क्या हो गया है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है उद्योगों में अगर महामंदी में हमारी वस्तु बेचना चाहते हैं तो दो ही विकल्प है एक तो लागत का मूल्य कम से कम होगा और दर्जा बढ़ाना पड़ेगा और लागत का मूल्य घटाना है दर्जा बढ़ाना है तो एक उपाय है उनके पास वो है रोबोट गाइडेड ऑटोमेटिक मशीन यंत्र मानव संचालित यंत्र यंत्र मानव संचालित स्वयं चलित यंत्र रोबोट गाइडेड ऑटोमेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एक रोबोट गाइडेड एटोमेटिक मशीन अगर कारखाने में बिठाया जाए तो सौ कामगार की रोजी रोटी चली गई एक मशीन सौ कामगारों का काम कर रहा है शुरुआत हो गई है शुरुआत हो गई है कारखाना नौकरी नहीं देगी सरकार नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि कितना आप टैक्स जमाओगे इसके बाद एक समझ एक संप्रुक्ता अवस्था इसके बाद टैक्स नहीं बढ़ा सकते आप तो बॉल खड़ा हो जाएगा यानी उद्योग नौकरी नहीं देंगे सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी एक एक क्षेत्र है नौकरी देने वाला सेचुएट करने वाला वही कृषि क्षेत्र उसके बिना कोई चारा नहीं होगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा लेकिन कौन सी खेती रासायनिक कृषि क्यों आएगा वो क्यों आएगा बर्बाद होगा जैविक खेती सहयोग उत्पादन मिलता नहीं क्यों आएगा एक ही विकल्प है वो है पाले कर यहां हमारे मित्र है किसान भाई जो पाले कर कृषि करते हाथ ऊपर करिए देखिए जरा उधर देखिए कितना माप भाई करने वाला मुख्यमंत्री महोदय जी जरा देखिए कितने हाथ ऊपर आ गए ये हमारे ये हमारे सेनापति बैठे हमारी सेना यहां खड़ी है बहुमत हमारा है यहां ये क्यों है समय की मांग है उस समय हरित क्रांति समय की मांग थी आज प्राकृतिक कुछ समय की मांग ग्लोबल वार्मिंग अगर हमें रोक नहीं पाओगे खेती नहीं होगी मानव का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ख्याल में साथियों जिस दिन बाष्प पर, पर चलने वाला इंजन पैदा हुआ बाप पर उस दिन से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई साढ़े तीन सौ साल पहले औद्योगिक क्रांति जिस दिन औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उस दिन हवा में 280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 10 लाख हिस्सों में 280 सौ कार्बन डाइऑक्साइड था वो नेचुरल था फोटोसिंथेसिस 100 सौ प्रतिशत रपताह से चलती थी मानव का श्वसन सौ प्रतिशत रपताह से चलता था सारी सजू सृष्टि बहुत बढ़िया काम कर रही थी क्योंकि वो प्राकृतिक व्यवस्था थी आज हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 480 पीपीएम तक चली गई है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है गुस्सी करने वाले दो क्षेत्र है एक है उद्योग साथ में रासायनिक कृषि और जैविक कृषि सजीव खेती आप बोलेंगे सजीव खेती का ग्लोबल वार्मिंग का क्या संबंध है बताता हूं बताता हूं साथियों गोबर खाद जो आप टॉक ट्रैक्टर से लाकर डालते हैं ये कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट सॉल्यूशन एक इस सारे के सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से और एक दुकान में आवे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैविक खाद इन सब खादों में जैविक खादों में फोर्टी सिक्स परसेंट स्टेबल कार्बन होता है स्थिर कार्बन होता है जब आप गोबर का खाद कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बायोडायनामिक या कोई भी जैविक खाद बाहर से लाया हुआ खलिया खल भी केक भी भूमि के ऊपर फैलाते हैं और जब दिन का तापमान 28 और सत्ताव के ऊपर बढ़ने लगता है इन खादों में जो स्थिर कर्ब कर है अस्थिर कर्ब में रूपांतरित होता है स्टेबल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल कार्बन जब दिन का तापमान 36 अंश 57 के ऊपर बढ़ने लगता है इनटाइल कार्बन इज कन्वर्टेड इनटूVolatile कार्बन ये जो अस्थिर कार्बन है सारा का सारा कार्बन उड़नशील का बनता है भगोड़ा कार्बन बनता है और सारा कार्बन हवा में उड़ जाता है ये जैविक कार्बन हवा में उड़ गया हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई ऑक्सीडेशन प्रोसेस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हवा में जाता है 120 साल वहां रहता है खत्म नहीं होता ये ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है सजोग खेती ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है तो आगे बढ़ाना चाहिए कि रोकना चाहिए ये आपको तय करना है ये सरकार को तय करना है हमारा कुछ लेना देना नहीं है हम विकल्प दे रहे दे विकल्प देते द गवर्मेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट कॉपनिगंज समिट दवर्नमेंट विल्वेंटी थ्री परसेंट कार्बन क्राइटे अगर कौपनिगंज समिट में सम्मेलन में भारत सरकार ने एक संवैधानिक दायित्व दिया था कमिटमेंट दिया था कि भारत सरकार तेईस प्रतिशत कार्बन औसत घटाएगी कैसे घटाओगे अगर रासायनिक कृषि उनकी इनपुट इंडस्ट्री ये जैविक खेती सजीव खेती विशाल मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना है बढ़ा रही है तो सरकार को चाहिए उसका विकल्प दे विकल्प है सुभाष पालेकर प्राकृतिक विषय एक ग्राम भी उत्सर्जन नहीं होता क्योंकि कोई खाद डालना ही नहीं है आज तक जो भी कोई टेक्नोलॉजी आई है प्रागृतिक इतिहास के काल से आज तक जो भी टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में आई है हर एक ने कहा है खाद डालना ही पड़ता है क्योंकि खाद जड़ों का खाद्य है सुभाष पालेकर पहली बार कह रहा है कोई कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है डालने की आवश्यकता ही नहीं है

छानवे से लेकर साढ़े अट्ठानबे प्रतिशत शरीर केवल हवा से पानी से और सूर्य की रोशनी से बनता है ऊर्जा से बनता है तो ऊपर से डालने का सवाल ही कहा पता होता है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से हवा बिल नहीं बेचती फीट पत्ता एक दिन में साढ़े बारह किलो कैलोरी सौर्य ऊर्जा सौर और मानसून पानी लाता है बे ऑफ बंगाल से हिंद महासागर से बिल नहीं बेचता मानसून ऊपर से डालने का सवाल ही कहां पैदा होता है साथियों दिमाग में से खाद निकाल लीजिए सत्य को स्वीकार करें कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है इस सत्य को स्वीकार करें गोबर खाद भी खाद्य नहीं है कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है और रासायनिक खाद भी खाद्य नहीं है एक खलिया भी नहीं है और तालाब की मिट्टी भी नहीं है कुछ डालना ही नहीं है कुछ डालना ही पहले हमने मॉडल खड़े कर दिए बाद में बोल रहा हूं पचास लाख किसान पाले कर कुछ कर रहे हिंदुस्तान में आइए हमारे मॉडल लिखे चमत्कार मालूम पड़ेगा आपको चमत्कार, दूसरा नाम नहीं है कुछ भी नहीं डालते पंद्रह साल से कुछ भी नहीं डालते चैलेंज है कोई भी खाद्य तत्वों की कमी दिखाइए वे आर गिविंग चैलेंज शो मी एनी प्लांट बॉल्ड शो मी क्यों नहीं है डालते नहीं है तो कमी क्यों नहीं है क्योंकि डालने की आवश्यकता ही नहीं है साथियों अगर खाद डालने की आवश्यकता नहीं तो खाद खरीदने की भी आवश्यकता अगर खाद खरीदना ही नहीं है खाद डालना ही नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग घटा बढ़ाना बंद हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा साथ में साथियों भूमि की शक्ति और उत्पादन क्षमता हमें उपज देती है हमारी भूमि की जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी उर्जरा शक्ति होगी प्रोडक्टिविटी होती उत्पादन क्षमता होगी उतनी उपज हमें ज्यादा मिलेगी विल गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एडी ये जो उत्पादन उर्वा शक्ति बढ़ाने वाला कोई तत्व है भूमि में उसका नाम है ह्यूमस ह्यूमस हमारी भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है फर्टिलिटी प्रदान करता है ह्यूमस की निर्मित फसल अवशेष के विघटन से होती है हमारी फसलों के जितने अवशेष है अगर हम हमारे बागवानी में हमारे गन्ने में हमारे कपास में आच्छादन रूप में बिछाते हैं उसके विघटन से ह्यूमस बनता है ह्यूमस निर्मिति करने वाले जुआन होते हैं अनंत जुआन और ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन का जो अंतर्गत रेशो होता है वो टेन टू वन होता है दस को एक होता है यानी साठ को छ होता है दस को एक होता है इसका मतलब है दलहन की सफसल लेना आवश्यक है अगर हम फसल के अवशेष अच्छा दन रूप में बिछाते हैं जीवामृत घन जीवामृत के माध्यम से जीवाणु भूमि में डालते हैं क्योंकि देशी गाय के गोबर जीवाणु का महाभंडार है साथ में सब फसले इंटर क्रॉप दलन के लेते हैं अपने आप ह्यूमस बनता है अपने आप, अपने आप। लेकिन प्रकृति का कानून है कायदा है ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होती है जड़ों के बाहर नहीं कारखड़े में खड्डे में नहीं ह्यूमस की निर्मित पेड़ पौधों के जड़ों के पास होती है क्यों देशी मौसम वहां सर जीवन है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु जो खाद्य जड़ों को चाहिए वो पका कर देते हैं ह्यूमस के माध्यम से उसके बदले में जीवाणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जड़े उसको चीनी खिलाते हैं, कच्चे शर्करा खिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खिलाते हैं सजीवन है सजीवन आदान प्रदान है जीवाणु पकाकर खाना जड़ों को खिलाते जड़े उनको ऊर्जा खिलाते सजीवन है अगर सजीवन है ह्यूमस बनेगा सजीवन नहीं तो ह्यूमस नहीं बनेगा खाद बनेगा खाद ह्यूमस नहीं बनेगा अब मुझे बताइए रासायनिक खाद जड़ों के पास तैयार होता है कि कारखाने में कहाँ होता है बताइए कारखाने में ह्यूमस की निर्मित नहीं होती एक गोबर खाद कहाँ बनता है कहाँ खड्डे में ह्यूमस की निर्मित नहीं होती खाद बनता है एक कंपोस्ट कहाँ होता है कारखाने में ह्यूमस की निर्मित नहीं होती खाद बनता है ये वर्मी कंपोस्ट कहा बनता है कारखाने में जड़ों के पास नहीं ह्यूमस नहीं बनता खाद बनता है ये पंचगव्या कारखाने में दस कारखाने में येम सोलूशन कारखाने में ये कार बायोडोनामी कारखाने में सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सारे सैंद्रिय खाद जैविक खाद रासायनिक खाद सजीव खेती रासायनिक खेती के सारे संसाधन कारखाने में बनते हैं, खड्डों में बनते हैं जड़ों के पास नहीं ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं अगर रासायनिक कृषि जैविक कृषि ह्यूमस के निर्मित को रोकते हैं इसका मतलब है उत्पादन क्षमता और जैव शक्ति को बर्बाद करते हैं नष्ट करते हैं और अभी भी एक सीओ भी चल रहा है दिल्ली में तीन तारीख से लेकर तेरह तक एक सौ छियानवे देशों के प्रतिनिधि आए हैं दिल्ली में बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जावडेकर जी ने घोषणा कर दी है कि भारत सरकार अगले दस साल में अगले दस साल में सवा सौ करोड़ एकड़ भूमि को फर्टाइल ये संकल्प है भारत सरकार का संकल्प है किस विधि से रासायनिक खादी से ह्यूमास खत्म होता है सजू खेती से ह्यूमस रोका जाता है किस विधि से एक ही तरीका है वो तो पाले कर कुछ दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता क्या साथियों ह्यूमस बनाने में जो अनंत और जीवाणु होते हैं उपयुक्त जीवाण बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मात्रा में अगर किसी में है तो देशी गाय के गोबर में है मैंने 10 साल इस पर काम किया है 10 साल का एक ग्राम देशी गाय के गोबर में कम से कम 300 सौ करोड़ रुपए थ्री थाउजेंड मिलियंसरी विद इन वन ग्राम ऑफ द लोकल काउडांग जैसी ओलस्टिन में नहीं वो गाय नहीं वो खतरनाक प्राणी है जैसी ओलस्टिन चैलेंज है गाय सिद्ध करे चैलेंज है केवल देशी गाय का गोबर सुभाष पालेकर कृषि में एक देशी गाय आपके पास है तो तीस एकड़ की खेती होती है कितनी होती है एक देशी गाय से तीस एकड़ क्योंकि कितना गोबर चाहिए इस पर मैंने जो अनुसंधान किया एक हजार किलो से लेकर एक किलो तक लगातार अलग अलग मात्रा में अलग अलग, अलग फसलों पर इसके अनुबंध किए बाद में मालूम पड़ा कि एक देशी गाय का आपके पास उपलब्धि है तो तीस एकड़ की कितनी एक देशी गाय से होती है क्योंकि दस किलो गोबर चाहिए केवल दस किलो गोबर एक एकड़ में मैंने भी एक बार खाद के रूप में नहीं खाद दिमाग से निकाल दीजिए खाद कोई किसी जड़ का खाद्य नहीं है सत्य को स्वीकार कीजिए सत्य को स्वीकार कीजिए खाद दिमाग से निकाल दीजिए एक गाय एक दिन में देशी गाय ग्यारह किलो गोबर देती है औसतन एक देशी गाय का दस किलो गोबर एक दिन का एक एकड़ के लिए महीने में एक बार डालना पड़ता है एक देशी गाय का तीस दिन का गोबर तीस एकड़ के लिए पाले कर में एक देशी गाय लाइए तीस एकड़ की खेती करिए तीस एकड़ पैंतीस करोड़ एकड़ भूमि है हमारे पास दो करोड़ गाय से हमारा काम चल जाएगा कितने गाय से दो करोड़ हमारे पास दस करोड़ आठ करोड़ गाय है चौगुना ज्यादा है मुख्यमंत्री महोदय चौगुना ज्यादा गाय है हमारे पास गाय की कमी नहीं है एक ही काम करना पड़ेगा दक्षिण भारत में गाय नहीं है तो सौराष्ट्र से उठाना पड़ेगा और वहां डाल दा, देना पड़ेगा राजस्थान से उठाना पड़ेगा वहां डाल देना पड़ेगा और दिन धारे नहीं देते तो रात को चुरा कर ले जाना पड़ेगा और तो प्रफुल भाई वो करेंगे जरूर करेंगे मुझे मालूम है तो साथियों गाय समस्या नहीं है गाय उपलब्धि की समस्या नहीं है वितरण की आवश्यकता है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोकल काउंस, यह सरकार के स्तर पर हो सकता है पूरे दुनिया में देशी गाय का कोई विकल्प नहीं होगा आगे कृषि बढ़ाना चाहते आगे की खेती के केवल देशी गाय से होगी पूरी दुनिया की कोई विकल्प नहीं होगा मैं लिख कर देता हूं कोई लिख कर देता हूं एक देशी का ऐसे तीस एकड़ के थे कुछ खरीदना ही नहीं है बीज भी खरीदना नहीं है बीज भी खरीदना नहीं है मैं स्वीकार करता हूं रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है मैं स्वीकार करता हूं लेकिन पाले कर कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है बिट्टी से भी ज्यादा मिलता है तो संकर बीज क्यों खरीदे क्यों खरीदे देशी बीज देशी गाय के बिना अगर पूरी दुनिया की भविष्यकालीन खेती नहीं हो सकती इसका मतलब है अब एक दायित्व तो बन जाएगा हर सरकार का और आ, हमारे संयुक्त राष्ट्र संगठन का इसको ध्यान देना सौभाग्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन अब मान रहा है कि पालिकर खुशी के बिना नहीं चलेगा उन्होंने स्वीकार किया है साथियों खाद डालना नहीं है देशी बीज ही लाना है मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल रिसर्च आई सी अ सारे कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं कि हरित क्रांति के माध्यम से हमारी भूख तो आपने मिटा दी लेकिन जो समस्या खड़ी है उस पर आपको अलग ढंग से स्वीकार करना है सोचना ही पड़ेगा और देशी बीजों की उत्पत्ति केवल कृषि वैज्ञानिक कर सकते हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्यों ना इस राज्य के चारों कृषि विश्वविद्यालय इसके आगे देशी बीज उत्पत्ति में आगे आए मैं उनको नम्रतापूर्वक निवेदन देता हूं कि आप सामने आइए और देशी बीजों की उपलब्धि किसानों को दे सरकार जरूर सहायता करेगी अगर आपको देशी बीज उपलब्ध नहीं है तो संकर बीजों का भी रूपांतरण आप देशी बीजों में कर सकते हैं जन्नुक रोपित बीजों का बिटी कॉटन का भी आप देशी बीजों में रूपांतरण कर सकते हैं ना अब दीड इज टर्मिनेट सीड गलत बताया जा रहा है कोई भी बीज नपुसक नहीं होता कोई भी बीज नपुसक नहीं होता केवल हमें बलवान पौधों को चुनना है उसका बीज अलग रखना लख है आगे बढ़ाना है काम हो जाएगा काम हो जाएगा काम हो जाएगा बीज खरीदना नहीं है खाद खरीदना नहीं है दवा खरीदना नहीं है क्योंकि हम पाले कृषि में पौधों में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करते हैं रेजिस्टेंस पावर वे आर क्रिएटिंग द पैन बॉडी प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने से क्या होता है बीमारी आती ही नहीं कीट आते ही नहीं सुरेश कुमार शिमला से 80 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में शिमला मिर्च लेता है टमाटर लेता है सब्जियां लेता है माननीय राज्यपाल जी उस समय मेरे साथ थे हम गए थे उनके खेत पर शिमला में क्या चमत्कार देखा पाले कर खुशी में ये शिमला मिर्च अरे इतनी अच्छी मिर्च लगी थी बीमारी नहीं आई कीट नहीं आई निको बिल्कुल बेदाक थी बेदाक। इतने शिमला मिर्च लगी थी देशी बीज था देशी बीज बीज नहीं खाद नहीं दवा नहीं क्योंकि ह्यूमस जब हम निर्माण करते जड़ों के पास तो ह्यूमस में से अपने आप उनको प्रतिरोध शक्ति निर्माण होती है तो कीड़ आता ही नहीं बीमारी आती ही नहीं ख्याल रहे कोई भी शरीर अपने शरीर में शरीर बाह्य वस्तु का प्रवेश सहन नहीं कर सकता इट इज नेचुरल लॉ चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो या मानवों का अपने शरीर में शरीर बाह्य वस्तु एक्सटर्नल बॉडी अपने शरीर में प्रवेश करना सहन नहीं करता केवल वही स्वीकार करता है जो प्रकृति निर्मित है मानव निर्मित स्वीकार नहीं करता मानव संस्कारित स्वीकार नहीं करता रासायनिक खाद मानव संस्कारित है स्वीकार नहीं करता आप डालते हो जड़े लेगी लेकिन ये अवशेष कोशिकाओं में संग्रहित रहेगी टॉक्सिन बनेंगे वो जहर बनेंगे कीटनाशक दवाओं के अवशेष उस कोशिकाओं में संग्रहित रहेंगे जैविक खेती में सजीव खेती में जब आप हर्मी कंपोड डालते हो उसमें कैडमियम आर्सेनिक लेड खतरनाक जहरीले मेटल्स वो भी संग्रहित रहेंगे और ये शरीर बाह वस्तु है पॉइन बनता है टॉक्सिक बनता है अरे टॉक्सिक बनता है कोशिकाओं में रहता है तो क्या करता है जो प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाले जीवन हुए वो जुआनो का वो जो उनका नाश करते है टॉक्सीन पृथ्वी तो शक्ति खत्म होती है तो बीमारी आना है कीट आना ही है हम लेते हवा से पानी ज्यादा लेते हैं हवा पानी का महासागर है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भया काल भयावह काल आपके रासायनिक उसी के पेड़ बहुत सूख जाते हैं अपने पौधे सूख जाते हैं, फसलें सूख जाती है लेकिन उसी समय उसी खेत के मेड़ पर का पौधा हरा भरा है सही बात है जंगल हरे भरे क्यों अकाल आपके खेत में भी है अकाल मेड़ पर भी है अकाल जंगल में भी है आपके पेड़ सूखते जंगल के क्यों नहीं सूखते मेड़ के क्यों नहीं सूखते मेरा सवाल है अगर है जवाब तो दीजिए इसका मतलब है ईश्वर की व्यवस्था है अकाल में पौधे न मरे टिक कर रहे जैव विविधता जारी रहे शुड बी कंटिन्यूड सो दैट दिस कैन बी कंटिन्यू जैव विविधता आगे बढ़ने का कोशिश ईश्वर करता है हम उसको बर्बाद कर रहे हैं तो साथियों कुछ भी डालना नहीं है लागत का मूल्य शून्य है हवा से नाइट्रोजन लेने वाले जीवाणु व्यवस्था ईश्वर की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो जुआमृत में है घन जुआमृत में है दलन के जड़ों के ऊपर बैठे हैं हम दलहन की फसल लेते हैं सब सिलेंडर को आपके रूप में अम घृत देते हैं ऋषि गाय के गोबर से बना हुआ तो यूरिया डालने की आवश्यकता ही नहीं है भूमि में फास्फेट है और उस फास्फेट का जड़ों तक पहुंचने का काम पकाकर एक जीवाणु करता है जिसका नाम है फिर ये फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फेट जीवाणु जो गोबर अपने देशी गाय के गोबर से बने जीवाप में गण जीवाप में है वो तो पकाता है जड़ों तक पहुंचाता है फास्फेटिक फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं भूमि में पोटैश है सिलिका जुवाणु जो पकाता है पोटैश जड़ों तक पहुंचाता है जीवामृत में है घना जीवामृत में है सारे के सारे जुवाणु जो पकाने का काम करते हैं जड़ों तक पहुंचाते है जीवामृत में है घना जीवामृत में है दो ही बातें करना है आपको कुछ डालना ही नहीं है इंटर को आप दलहन के लेना है साथ में जीवामृत घना जीवामृत देना है कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है अपने आप सब कुछ मिल जाएगा और भूमि के अंदर महासागर है महासागर खाद्य तत्वों का महासागर ऊपर नहीं नीचे गहरे में ये नीचे का महासागर ऊपर लाने का काम जड़े करती है जड़े जो भी खाद्य तत्व अंत भूमि से लेते हैं गहरे से शरीर में संग्रहित करते आयु समाप्त होती है, है शरीर गिरता है नीचे का महासागर ऊपर आकर फैल जाता है जड़ों को उपलब्ध होता है एक कैपिलरी फोर्स केसागर शक्ति ये नीचे का महासागर ऊपर लाकर जड़ों को उपलब्ध करती है अरे बहुत ही सुंदर व्यवस्था है बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ये देशी कैचुए ये नीचे ग्रह की मिट्टी खाते माँ सागर है जीवाणु ये सब खाद्य तत्वों का ऊपर लाते अपनी विस्तार के माध्यम से जड़ों तक पहुंचा देते अरे क्या क्या सिस्टम है क्या क्या सिस्टम है दस दिन के वर्कशॉप में आ जाइए सबको आप मालूम पड़ेगा कि कैसी अद्भुत व्यवस्था है खाद डालने की आवश्यकता ही कहां है मित्र बीज खरीदना नहीं है खाद खरीदना नहीं है दवा खरीदना है दस प्रतिशत पानी चाहिए और जोताई भी नहीं है हमारी बागवानी में जाइए जोताई नहीं है गन्ने में जाइए जोताई नहीं है दो कल जोश नॉल और जीवाम घन ज़ुआम सी भूमि इतनी नरम बनती है मृदु बनता है कि हमारी जो मौसमी फसलें है अपने बखर से भी जोताई होती है ये बड़ा बड़ा हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं मासूर ट्रैक्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे बताइए पैसा कहां जाएगा मुझे बताइए पैसा कहां जाएगा आपको कुछ खरीदना ही है पैसा कहां जाएगा उत्पादन घटेगा नहीं बढ़ेगा नो मीटिंग ब्रेड इन द फर्स्ट यू विल गेट द रिजल्ट फर्स्ट इट प्रोडक्शन आपको राह देखने की आवश्यकता नहीं आपको पहली साल उत्पादन मिलता है ज्यादा लगातार बढ़ते रहता है अभी राज्यपाल जी यहां बैठे हैं मैं हिमाचल का उदाहरण देता हूं या तो हमारे किसान दोपहर को आप बताएंगे एक किसान है चौहान नाम का उसका सेब का बगीचा है रासायनिक करता था तीन पेटी उत्पादन होता था जब मेरा वर्कशॉप सुना पालमपुर में उसे चालू कर दिया तो पहले साल पाले कर कृषि में 600 सौ पीटी हो गया इस साल 1200 सौ पीटी हो गया राज्यपाल जी ने वो देखा है कौन बोलता है पाले कर में उत्पादन घटता है मूर्ख बना रहे हो किसानों को गुमराह कर रहे हो झूठ बता कर साथियों उत्पादन ज्यादा मिलेगा उत्पाद लागत का मूल्य शून्य और हमारा उत्पादन जल मुक्त है क्वेश्चन हैूल्यों से संपुक्त है सैचुएटेड ऑल न्यूट्रिएंट्स और औषधि है मेडिसिनल है किस्सा ये उपभोक्ता दुगुने दाम देते हैं दुगुने दाम आपका गेहूं अठारह रुपए किलो हमारा चालीस रुपए किलो पचास रुपए किलो पूछे इनको आपका चावल पैंतीस हमारा सत्तर अस्सी हमारी दाल दुगुने दाम दे रहे हैं कतार लगती है देने वाले केवल हमें वहाँ तक पहुंचना है वहां तक उपभोक्ता तक पहुंचना है पूरी दुनिया का मार्केट हमारे कब्जे में आ सकता है मुट्ठी में आ सकता है पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस आ गया है इसके बाद जड़ मुक्त ही चाहिए जहरीला नहीं खाना है पैसे देने के लिए तैयार है दाम देने के लिए तैयार है ये डब्ल्यू तो कुछ नहीं करेगा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करेगा क्योंकि जब डिमांड आएगी कि हमें जल मुक्त चाहिए दाम कितना भी लेंगे हमारा पूरे दुनिया में जाएगा हमारा पूरे दुनिया में जाएगा कृषि उपज दुनिया की मंडी हमारी मुट्ठी में आएगी लेकिन कब जब आप शुरू करोगे और मुझे बहुत ही आनंद है कि यहाँ यहाँ के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी मुख्यमंत्री रूपानी जी उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री और सारे मंत्रिमंडल सारे अधिकारी इस व्यवस्था परिवर्तन को गुजरात में आगे बढ़ाने की कोशिश करने जा रहे हैं बधाई के पात्र है बधाई के पात्र है बधाई के पात्र राज्यपाल मने क्या जब दीक्षांत समारोह होता है तो वहां भाषण देना कई उद्घाटन करना और शान से राजभवन में रहना लेकिन इतिहास में हिंदुस्तान के इतिहास में आचार्य देव्रत जी पहले राज्यपाल है पहले राज्यपाल जिन्होंने कहा अरे प्रोटोकॉल फेंक दो प्रोटोकॉल नहीं चाहिए मुझे मैं किसानों को काम करना है हिमाचल में बहुत बड़ा काम कर दिया बहुत बड़ा काम कर दिया जहां भी जाते हैं पकड़ते हैं उसको बताते हैं पहले के शिकार पहले शिकार नहीं तो चोरी छुटका नहीं है हिमाचल को बदल दिया शायद अब गुजरात भी बदलने वाला है बधाई के बात है एक राज्यपाल क्या कर सकता है कितना बदलाव ला सकता है मिसाल है मिसाल मिसाल है। और यहां की सरकार माननीय रूपानी जी मैं पहली बार देख रहा हूं कि सारा मंत्रिमंडल बैठा है इट इज नॉट हैपन हर सरकार के साथ मेरी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री थे कृषि मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे बाकी मंत्री नहीं थे या पहली बार देख रहा हूं कि सारे मंत्री बैठे अद्भुत है अद्भुत है आद्भूत है, आद्भूत है, मोदी जी का सपना है दोगुनी आए पाले कर खुशी में लागत का मूल्य शून्य है उत्पादन बढ़ता है दाम दुगुने मिलते हैं इसका मतलब है दाम दोगुनी मिलते है। इसका मतलब है लागत का मूल्य से कितना गुना अनेक गुना दुगुना नहीं अनेक गुना अनेक गुना मोदी जी का सपना पूरा करना है यही एक तरीका है एक तरीका पचास प्रतिशत नहीं दो सौ प्रतिशत ज्यादा दाम यही एक तरीका है और अंत में एक कहूंगा कि केवल कृषि को बदलना नहीं है पूरा जीवन शैली हमें बना बदलना है हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है हमारे शिक्षा पर हमला हो रहा है हमारे खुशी पर हमला हो रहा है और हमारे जीवन पद्धति पर हमला हो रहा है हमारे भारतीय जीवन शैली का पाश्चात्यकरण करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ हमें खड़े होना ही पड़ेगा केवल खेती सुधार से नहीं होगा अमूलाग्र बदल अंतर बाह्य बदल इसके लिए भारत सरकार पहली बार पहल ले रही है बच्चों का अधिकार लिया गया है, प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए अब अंग्रेजी पढ़ रहे छोटे छोटे दो साल के तीन साल के बच्चे हमारी मातृभाषाएं खत्म हो जाएगी रोकना ही पड़ेगा 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 मैं क्या हटाओ मैं क्या हटाओ मे को हटाना ही पड़ेगा शिक्षा पद्धति को बदलना ही पड़ेगा कृषि पद्धति को बदलना ही पड़ेगा साथ में हमारे जीवन का पाश्चात्यीकरण जो हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा आपका पेराव जैसे ब्रिटिश बैठे यहां हिंदुस्तान का बहुत कम दिख रहा है सोच भी वही कपड़े भी वही सब कुछ वही ब्रिटिश गए ब्रिटिश आयत नहीं गई भगाना ही पड़ेगा सारी दुनिया हिंदुस्तान का देख रही है योगा और आध्यात्म के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा बाबा रामदेव जी को उन्होंने घर घर में योगा पहुंचाया धन्यवाद दूंगा लेकिन इससे नहीं होगा आप रासायनिक कृषि से पैदा हुआ सजीव खेती से पैदा हुआ जल खाते ही जाओगे योगा करते ही जाओगे बीमारी होती ही जाओगे योगा करते रहोगे तो कैसे चलेगा योगा से आपको प्राकृतिक खेती को जोड़ना ही होगा होगा ही होगा चाहे हा या ना कहे होगा ही इतना ही नहीं पाश्चातिकरण रोकने के लिए हमें जन आंदोलन की आवश्यकता है मोदी जी जो भी चाहते हैं बदलाव मुझे लगता है जन आंदोलन के बिना ये संभव नहीं है न होगा जन आंदोलन ही इसका एक विकल्प है और उस जन आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ हुई है मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पुनः अच्छा एक बार यहाँ की सरकार को राज्यपाल महोदय को और यहाँ के उच्च अधिकारी यहाँ के कृषि सचिव परमार जी और उनके सब सहयोगी और हमारे दीक्षित पटेल हमारे जन आंदोलन के हमारे सहयोगी लगातार उनको सहयोग दे रहे लगातार यहाँ आकर हर दिन उनको सहयोग दे रहे उनका भी अभिदान करना चाहता हूँ साथ में आपका भी ऐसा होता है कि जब भी सरकारी प्रोग्राम होता है भोजन खाने के बाद हॉल खाली हो जाता है कोई ठहरता नहीं तो आज ये नहीं होगा आज बैठेंगे शाम तक पांच बजे तक ये चर्चा चलेगी उसमें आप भी सम्मिलित हो हमें राजू कुमार जी को सुनना है दुनिया हिंदुस्तान के इतिहास में प्लानिंग कमीशन था पहले कभी नहीं देखा कि प्लानिंग कमीशन किसानों को बुला रहा है कभी नहीं देखा किसान संगठनों को बुलाए कभी नहीं देखा जड़ों का अभ्यास कर रहा है कभी नहीं देखा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी किसानों को बुला रहे हैं उनके दुख पीड़ा समझ रहे हैं संगठनों को बुला रहे हैं सब अभ्यास कर रहे हैं और जड़ों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे पहली बार राजीव कुमार जी को मैं देख रहा हूं राजीव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूं दो साल जिये आप तो अच्छा होगा ताकि हिंदुस्तान का भविष्य बढ़िया रहेगा और रूपाला जी तो हमारे साथ है मेरे दो तीन वर्कशॉप में तो आप थे रूपाला जी आपने बड़े जोर से जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी माननीय कृषि मंत्री थे सब एडवाइजर थे नीति आयोग के लोग थे सब ने रूपाला जी थे दंडकन से बोल रहे कि ये करना ही होगा ये करना ही होगा जो आवाज़ सुनी मैंने उनकी ये ताकत है ये ताकत है इस मिट्टी की गुजरात की मिट्टी की जो हिंदुस्तान के लाल किले पर गई है ये गुजरात कुछ भी कर सकता है मॉडल के रूप में ये गुजरात कुछ भी कर सकता है केवल पैसे का लोप छोड़ दीजिए काम करिए धन्यवाद जी